for comprehensive strives there with exquisite sensibility. One strives genius way. उन्होंने उसको ब्रीफ किया है, एक्सप्लेन किया है, तो इन अल्फाज को मैं रियली मोहम्मद कासिम इल्मी के ही नाम इसको नाम करता हूँ। आज की ये महफिल इन बच्चों की क्लास ग्रेजुएशन लेवल की ये क्लासें यहाँ अकेडमी में, और इसके अलावा कम्पिटेटिव एग्जाम की भी मैं ऐसे राइटिंग और इंग्लिश ग्रामर और जो स्पोकन इंग्लिश से मुतल्लिक भी गाइडलाइन दी जाती है। तो अल्लाह ने मुझे ये इज्जत दी है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह से इस्तदा करता हूँ कि अल्लाह ताला इस सिलसिले को तमाम अदा अल्लाह हम सबको अपने मकसद में कामयाब होता अपने व्यूवर्स को कहूँगा कि मैं सर का कॉन्टेक्ट नंबर इनकी इजाज़त से नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और अपनी अकेडमी का एड्रेस भी। जो लोग भी पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन, सर ऑनलाइन भी क्लास ले लेते हैं, और जो लोग इधर आकर इदारे में पढ़ना चाहते हैं तो वो भी रब्ता कर सकते हैं। सर का कॉन्टेक्ट नंबर और अकेडमी का एड्रेस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप प्लीज डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। अल्लाह की बुजुर्गी बरतरी बयान करने के बाद मैं दरूद पाक सलातो सलामु अला सैयदुल अंबिया इस नशिस्त में मैं अपने फाजिल स्टूडेंट जिनसे मेरी 36 साल रफाकत है, और ऑन द वेरी फर्स्ट डे जब ये यहाँ मेरे पास पढ़ने आए तो नाम मोहम्मद कासिम था, तो एक हफ्ता 10 दिन मैंने जब इन्हें पढ़ाया और इनकी सबमिसिवनेस देखी और अकीदत देखी और इनमें पाए जाने वाली ह्यूमैनिटी कंपैशन देखा, ह्यूमैनिटेरियन पर्सन इनको पाया, तो मैंने इनको टाइटल मोहम्मद कासिम इल्मी दिया, लफ्ज इल्मी। अ मैन विद ग्नोस्टिसिज्म स्कॉलर माशाल्लाह 16 अप्रैल 1994। एक बात यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि जब मैं नाम नहीं लिखता था मुझे शर्म आती थी, ये बहुत बड़ा नाम है, तो मेरे शेखे पाक हजरत मियां मोहम्मद रियाजुल हक चिश्ती हकानी सराजी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहा बेटा आपके उस्ताद मोहतरम ने आपको कुछ समझ कर आपको इतना बड़ा नाम दिया, आप इसके काबिल हो। तो मैंने कहा हुजूर मेरे लिए दुआ फरमाएं, अल्लाह मुझे इस काबिल कर दे, जो उन्होंने मुझे जो वो मेरे बारे गुमान रखते हैं अल्लाह मुझे उस काबिल कर दे। फिर उन्होंने मुझे दुआ की स्पेशल, और कहते हैं बेटा आज से तुम इल्मी लिखोगे क्योंकि तुम्हारे उस्ताद का हुक्म है। तो मैंने कहा फिर आप मेरे लिए दुआ भी करें कि अल्लाह मेरी लाज भी रखे। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने एक्स्ट्रा पढ़ा, 16 घंटे मैंने मुख्तलिफ मैंने मसालक की किताबें पढ़ी, बहुत ज़्यादा नॉलेज हासिल किया और हर एक मसालक की किताबें पढ़ी और बहुत नॉलेज बढ़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब किसी भी हवाले से जब बात होती है तो अल्लाह के फजल व करम से उसका जवाब मैं दे देता हूँ, अगर नहीं आता माजर कर लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस रफाकत को जैसे जैसे वक्त गुजरा विद द पैसेज ऑफ टाइम इट बिकेम मोर फर्म रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल अनब्रेकेबल। आज मुझे फख्र है कि मुख्तलिफ चैनल्स पर अमजद अवान के स्टूडेंट्स वर्क कर रहे हैं,
भलाई का काम कर रहे हैं, दीन का काम कर रहे हैं, दुनिया का काम कर रहे हैं, और किरदार की पुख्तगी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है इस इदारे के नाम। मैं मोहम्मद कासिम इल्मी की शख्सियत को सिर्फ इतना कहूंगा कि इंतहाई पुख्ता कार इंसान और अकीदत का ये आलम कि मैं जहां कहीं भी सामने हूं तो हाथ ऐसे बांध कर और हर बात पे यस सर ओके सर मैंने एक दिन कासिम इल्मी साहब सर्दियां थी इट वाज विंटर सीजन आई वाज बीसाइड द इलेक्ट्रिक हीटर इनसाइड दिस क्लासरूम एंड रीडिंग नॉवल ऑफ इंग्लिश जोसेफ एंड्रयूज व्हेन कासिम इल्मी केम टू मी सैल्यूटेड मी एंड आई वाज लाइंग ओवर द कारपेट एंड ही सैट डाउन with great humility पूछा कि जनाब आप कैसे आए हो तो कहने लगे कि मैं यहां से गुजर रहा था मेरा जमीर गवारा न करता अगर मैं गुजर गया मैं जमीर ने गवारा नहीं किया मैं आ गया हूं सिर्फ अकीदत और मोहब्बत और सलाम अभी ये नई नई इनके साथ मेरी मुलाकात मेरे दिल में एहसास पैदा हुआ कि शायद कासिम इल्मी साहब जो है वो जिस तरह रिवायती स्टूडेंट्स होते हैं जस्ट दे आर शोइंग ऑफ देयर पर्सनैलिटी गिविंग केयर तो शायद ये वो उस मिजाज लेकिन वक्त ने साबित किया कि ऐसी बात नहीं थी बल्कि ये अकीदत और ये मोहब्बत यकीनन इनकी कल्बो नजर और दिल की गहराइयों मैं एक शेर नजर करता हूं और इस दुआ के साथ के अता असलाफ का जज्बा दरो कर शरीके जुमराए लाजा दरो कर खिरत की गुथलियां सुलझा चुका मैं मेरे मौला मुझे साहिब जुनून का ये अलामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह का शेर है और साहिब जुनून वो होता है जिसमें छुपी वो निगाह हो जिसको फैजाने आता फैजाने नजर मिला तो मैं एक उस्ताद होने के नाते एक रहबर और एक रहनुमा होने के नाते कासिम इल्मी साहब की इस वजदानी शख्सियत को सलाम पेश करता हूं जो मेरे लिए बायस फखर बायस सब इफ्तिखार मेरे और भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त प्राइवेट चैनल्स पर टीवी पर मुख्तलिफ दुनिया चैनल दुनिया न्यूज पर मेरे बड़े प्यारे स्टूडेंट हैं जियो के जो वेरी इंपॉर्टेंट ऑफिस आजकल वो जरा मुल्क से बाहर गए होंगे अभी कल ही मुझे उनकी कॉल आई थी मेरे स्टूडेंट हैं कासिम अली शाह साहब जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो ही मेरे स्टूडेंट हैं तो
among this galaxy of stars, I find him the brightest one. In Islamic and Quranic knowledge, किर्रत के हवाले से, इस्लामियात के हवाले से, don't take him for that he is just a clean shaven person. From inside, I know the depth of his knowledge, experience, gist of experience. Today in this class, there are two major things that are to be discussed. The first one, Qasim Ali Shah and Muhammad Qasim Ilmi, both are inspiring persons, but I always consider Qasim Ilmi, Muhammad Qasim Ilmi, to be superior on account of his knowledge of Quran, Qirat, Hadith, Islam and teachings. This time I am addressing to thousands of the viewers here in my country, Pakistan, and out of Pakistan, in various countries and capacities, this message is being delivered. I would like, first of all, I feel it incumbent upon me to express my humble thanks to Muhammad Qasim Ilmi that he has today given me honor to have Amjad Awan Academy and Muhammad Qasim Ilmi Academy, both are great inspiring institutions. And shining stars in the sky of knowledge. I refer hundreds of students to Qasim Ilmi. Online knowledge of Qirat and the recitation of the Holy Quran and its tafsir properly expressed by Muhammad Qasim Ilmi. Finding him and as a statement that would justify my all speech and lecture, that Muhammad Qasim Ilmi, you are a great source of inspiration. And in the darkness, in the midst of darkness and ignorance today, you know that minds of the youth have diverged to the other absurd activities, but you have given them the horizon of Islamic teachings. You have opened the doors of knowledge of Quran for them. It is the greatest achievement, because these beacons could give us the life after, you know, Akhirat. These are the lives that would enlighten our hearts. The message of Quran, the teachings of Islam. So in the end, I would say ये कासिम इल्मी साहब के लिए शेर है कि ये फूल हमने खैरात में नहीं पाए, ये फूल हमने खैरात में नहीं पाए, खूने जिगर दिया है तो बाहर आई है।
बहुत शुक्रिया और बहुत आपका ममनून हूँ कि आज की इस नशिस्त का कुछ वक्त कासिम इल्मी साहब, आज मेरी फोन पे बात हुई थी तो वो और आपकी एकेडमी और आपकी एकेडमी का एक मैं चाहता हूँ कि कंबाइन सेशन जिसमें बच्चों को मुतारफ कराया जाए और आपका मैसेज दुनिया भर में पहुंचाया जाए, इसकी इंट्रोडक्शन भी हो जाए। एडवर्टाइजमेंट तो ये होती है कि जो मैं पढ़ाता हूँ मेरे पर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, दीज आर द एडवर्टाइजिंग एजेंट्स। अगर मैं मुखलिस हूँ तो मेरा पैगाम आगे से आगे चलता जा रहा है और सिंस लास्ट 35 years, 36 years मैं कामयाब, और मैं इसी तरह अपने ऐसे स्टूडेंट को भी कामयाब देखता हूँ। रियली इन्होंने ना सिर्फ मेरे नाम को, इदारे के नाम को, बल्कि मैं कहूंगा इन्होंने अपना नाम एक अलग शनाख्त के लिए, एक अलग पहचान पैदा की है इन्होंने अपनी। कोई किसी किस्म की बैसाखी नहीं है, किसी किस्म का कोई सहारा सिवाय अल्लाह और अल्लाह के रसूल के, अपनी जात को सामने रख कर और अपनी मुराद मकसद और विजन को सामने रख कर ये चले। मैं कामयाबी के लिए दुआ को अल्लाह ताला आपको सुरखरू फरमाए। कहता हूँ वही कुछ समझता हूँ जिसे हक, ना अबला मस्जिद हूँ ना तहजीब का फर्जन, आपने भी खफा मुझसे हैं बेगाने भी ना खुश, मैं जहरे इलाहल को कभी कह न सका कुन, हूँ आतिश नमरूद के शोलों में भी खामोश, मैं बंदा मोमिन हूँ नहीं दाने आसमान। वमा अलैना इल्ला बिरहमा। कासिम इल्मी साहब आप कुछ इस सिलसिले में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं समझता हूँ कि सभी गौना फौजी कि मैं उस्ताद मोहतरम के पास, उन्होंने मुझे शक्कर दी और पास बिठाया, मैं इस काबिल नहीं हूँ, इस जरे की कोई औकात नहीं, क्या मिट्टी और पिटी का शोरबा। दोस्तों आज जो कि पी हूँ मैं अपने बुजुर्गों और अपने असाधा कराम की बदौलत हूँ। मैं बहसीत कासिम इल्मी, आई एम नथिंग, माई गॉड इज ग्रेटेस्ट। मैं एज ए यूट्यूबर अल फुरकानुल हकीम एकेडमी एक इदारा रन कर रहा हूँ, 35 कंट्रीज में ये मेरा चैनल देखा जा रहा है। एज ए कारी मोहम्मद कासिम इल्मी आप गूगल के अंदर सर्च करें या मैं अल फुरकानुल हकीम एकेडमी आप ये सर्च करें तो विद पिक्चर मेरा चैनल आपके सामने खुल जाएगा। और बहुत सारे कंट्रीज में तकरीबन 7 कॉन्टिनेंट में मैं पढ़ा चुका हूँ और पढ़ा रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, ट्रेनर भी हूँ, और कुर्रा ज़रार, उफाज़े कराम, आलमा और कारिया उनको भी मैं ट्रेन कर रहा हूँ पूरी दुनिया में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल और करम से मैं कुछ नहीं मैं कहूँगा, मेरे अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मैं ये छोटी सी अपनी सी कोशिश कर रहा हूँ उलमाए कराम के लिए। दोस्तों एक नन्ना सा पौधा जब जमीन से बाहर आता है तो कुर्रा अर्ज को फाड़ कर बाहर आ जाता है, इतनी ताकत उसके अंदर कैसे, जबकि दूसरी हैसियत उसकी ये है, हकीकत ये है कि शबनम के एक कतरे से उसकी गर्दन उड़ जाती है। एक तरफ यह है कि पहाड़ को और कुर्रा अर्ज को फाड़ के बाहर आ जाता है, ये उसकी फितरत जिबिलत के अंदर ताकत है जो उसे खुद नहीं पता चलती कि मैं इतना ताकतवर हूँ। इसी तरह आप सभी सर अमजद आवान साहब की जो एकेडमी है ये सारे बाज बैठे हुए हैं, इनके अंदर बाय डिफॉल्ट फिल्टरिंग फीचर जो है वो उड़ने का है, वो जाने या ना जाने। एक वाक्य मैं आपको बताता हूँ और उसके बाद मैं वाइंड अप करूँगा और मेरी क्या औकात कि इतनी बड़ी शक्ति के सामने मैं कुछ अल्फाज ज्यादा बोल पाऊँ। एक आदमी पहाड़ के पास से गुजर रहा होता है तो उसने एक छोटा सा एक परिंदा देखा जो कि मुश्किल से एक दिन का होगा, वो घर ले गया
और घर जाकर मुर्गियों के बच्चों के साथ जो चूजे से उनके साथ उसकी परवरिश करना शुरू कर दी। तो वहां से एक अकलमंद आदमी गुजरता है और वो देखते हैं कि ये जो मुर्गी का बच्चा नहीं है, ये चूजा नहीं है, ये तो बाज है, तो ये चूजों में क्या कर रहा है। खैर वो उसे कहता है मुझे आप गिफ्ट कर दें, हदियतन तोहफतन दे दें, या इसके प्राइस मुझे बता दें, मैं इसके पे कर देता हूँ, तो मैं इसको ले जाऊँगा। तो इसकी पहचान जो है इनको हो गया है किसी वजह से, किसी भी सर्कमस्टांसिस की वजह से, तो मैं उसको बताऊँ तुम कौन हो, ठीक है वो मैं तुम्हें बताता हूँ तुम कौन हो। तो वो जाता है, उसको रोजाना एक ही बात कहता है, यार यू कैन डू इट, यू आर यूनिक, और तुम बाज के बच्चे हो, चूजे के मुर्गी के नहीं हो, ये चूजे तुम चूजे नहीं हो, लिहाजा तुम ये जान लो यू आर स्पेशल, तुम इसलिए नहीं आए दुनिया में, तुम कुछ करने के लिए आए हो। तो इसी तरह ये जो बाज बैठे हुए हैं, इनका एक एक काम है, किसी खास प्रोसेस से गुजर कर इन्होंने वो कुंदर बनना है, वो बाज बनना है, और ये मावार बैठे हुए हैं इन बाजों को उड़ाने के लिए बुलंद आसमानों पे। तो वो बंदा रोजाना उसे कहता है कि देखो याद रखो, ठीक है तुम्हें जिंदगी चूजों के साथ गुजारी है, लेकिन तुम बाज हो, तुम उड़ो, तुम्हारी जो उड़ान है बहुत बुलंद है। वो डरता है क्योंकि सोबत का बड़ा असर होता है। तो वो फिर उसको क्या कहते हैं, एक दिन जब उसके पर निकल आते हैं, उड़ने के काबिल होता है लेकिन उड़ नहीं पाता, क्योंकि उसकी सोच में यही है कि मैं चूजा हूँ। लेकिन उसको रिमाइंडर जब किया गया, रिमाइंडर दिया गया, उसको बताया कि तुम हो, हमने सर से ये पढ़ा था हिज फर्स्ट फ्लाइट, हमने एक कहानी पढ़ी थी सर की सुपरविजन में, कि वो सेम उसी तरह जो जो बगला था वो उड़ता नहीं था। तो उसकी माँ ने उसको दिखा दे ही दिया आखिरकार, वो जब जान छोड़ा, अपनी जान बचाते बचाते जब उन्होंने अपने विंग्स खोले तो वो हवा उड़ा, तो उसे पता चला कि यस मैं तो उड़ सकता हूँ। तो इसी तरह हर बंदे के अंदर, फितरत के अंदर, अक्ले सलीम के अंदर इतना कुछ है, पर उसको पहचानने वाली वो आंख चाहिए, वो मामार चाहिए, उसको तराशने वाला चाहिए, जो जो सर कोशिश कर रहे हैं आपको। मेरे दोस्तों आपके अंदर सब कुछ है, सिर्फ पहचानिए खुद को। तो जब वो दिखा दिया गया और पहाड़ की चोटी से नीचे जब वो नीचे गिर रहा था, जमीन के करीब पहुंचने वाला था, तो उसने जब पर खोले तो वो उड़ना शुरू हुआ, तो आसमान की बुलंदी को छुआ, तो आइस बर्ड से जब उसने अपने मोहसिन सर अमजद अवान साहब को देखा या सर कासिम इल्मी को देखा, तो उसने कहा थैंक यू वेरी मच, बहुत ओके, कि आज अगर मैं उड़ रहा हूँ तो इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, आपने जान लिया कि मेरे अंदर क्या छुपा हुआ है, आपने वो पॉलिश किया, मुझे इनकरेज किया और मुझे बताया कि मैं क्या हूँ। तो आज अगर मैं आसमान को छू रहा हूँ तो आपकी बदौलत। दोस्तों बताने का मकसद इन शॉर्ट कि आपके अंदर बहुत कुछ है, आप अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करें, सोचें अपने बारे में, आपको बहुत कुछ मिलेगा। मुझे भी खुद पता नहीं था, मैंने 26 साल मैंने सर्विस की मुख्तलिफ आईटी डिपार्टमेंट, मैंने MSc की हुई है मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस, और 26 साल मैंने जॉब्स की मुख्तलिफ इदारा में। तो आखिर पर जब मैंने छोड़ा तो मैं जीरो था, कुछ नहीं था। लेकिन जब मेरे मोहसिन, मेरे सिंसियर फ्रेंड ने मुझे कहा कि यार आपकी आवाज़ अच्छी है, आपने कुरान सीखा था अपने लिए कि मैं अच्छे तरीके से अदायगी करके पढ़ूँ, तो यार ये आजकल ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो आप भी ऑनलाइन पढ़ाएं, आप एक्सेल कर जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर कैपेसिटी भी है और काबिलियत भी है, और आप अच्छा पढ़ा लेते हो, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल है और आप अच्छा टीच कर लेते हो, आप करें। तो मैंने कहा मेरे ऊपर फतवे लग जाएंगे, दाढ़ी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब इंसान को कुछ आता है ना, चमेली के फूल और गुलाब के फूल को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी खुशबू बता देती है कि वो किस सिंह पे है, तो लोग चले आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 4000 से ज़्यादा उलमाए कराम, कुर्रा हज़रात, मुफाज़े कराम, आलमा कारिया मेरे फेसबुक फ्रेंड भी हैं, मोहम्मद कासिम इल्मी लिखेगा ये मेरा फेसबुक आईडी है, और अल-फुरकान अल-हकीम अकैडमी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सभी ने फीडबैक बहुत अच्छा दिया और मैंने बहुत मेहनत की उसके अंदर, और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के फीडबैक से मुझे पता चला कि मैं एक अच्छा कारी भी हूँ। तो लोग बताते हैं, पेरेंट्स बताते हैं, जिन बच्चों को मैं मुख्तलिफ कंट्रीज में, कनाडा, यूके, अमेरिका, अमान, मिस्र और बहरीन, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और यूके,
ये यहाँ पर दुनिया भर में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और मैं ऐसे कारी के तौर पर और एक ट्रेनर के तौर पर पढ़ा रहा हूँ। मैं सर का बहुत ज्यादा मशकूर हूँ और आज मेरी जिंदगी का बहुत ही अहम दिन है कि मैं उस्ताद मोहतरम के पास बैठा। मैं यकीन माने आज भी मैं 94 वाला बच्चा समझकर दर दर के बैठा हुआ था, अभी भी मेरे पांव कांप रहे हैं। ये बहुत बड़ी शख्सियत है। लोगों के जाहरी तौर पे जो होते हैं शोल्डर बहुत बड़े होते हैं, कद उनके छोटे होते हैं, बोने होते हैं। इनका कद भी बड़ा है और इनकी शख्सियत भी बहुत बड़ी है। आई हैव नो फोर्स ऑफ वर्ड्स, ये मैंने यही सीखा है, आपने भी पढ़ा होगा। आई हैव नो फोर्स ऑफ वर्ड्स, तो मेरे पास अल्फाज नहीं है इतने। तो उस्ताद मोहतरम ने न जाने ये 1985 के अंदर 1985 में ये इदारा कायम हुआ, अगर मैं गलत नहीं सर तो यही डेट है। तो एक नौजवान लड़के ने घर से शुरू किया, अपने दादा अबू से दुआ ली और उनकी दुआ से आज ये इदारा अभी तक से चल रहा है। और मुझे अच्छी तरह याद है ये वही जगह है, उस्मान बेटा यहाँ पर डेस्क लगा हुआ था और मैं वहां से उठकर यहाँ तक आया था और सामने मुझे 16 अप्रैल 1994 में मुझे इल्मी का तखल्लुस दिया। और मैंने सर को कहा कि सर ये बहुत बड़ा लफ्ज है, मैं इसका हकदार नहीं हुआ, आई कांट डिजर्व इट, इट्स अ वेरी बिग नेम। मैंने तकरीबन 5 से 6 साल नहीं लिखा, तो सर का हुक्म था कि आपने अपने बच्चों के नाम के साथ भी इल्मी लिखना है। और खुदा की कसम इनकी बात पूरी हुई कि आसिम के नाम से कम जानते हैं सर, इल्मी के नाम से ज्यादा जानते हैं नेट के ऊपर। ये इन्होंने अपनी वजदानी और अपनी एक विजनरी आई से बांध लिया था वीवर ऑब्जर्वेशन के जरिए कि ये बच्चा आगे जरूर उड़ेगा, ये भी एक बाज है जैसे आप बैठे हुए माशाल्लाह। और जो जो अल्फाज उन्होंने 1984 में बोले और आज 2022 चल रहा है, तो मैं दुनिया भर में कुरान मजीद काफी ज्यादा बच्चों को अल्लाह के फजल और करम से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके तुफैल मौला फतेह पाक के मैं उसके फजल से कुरान पढ़ा सका। और कुरान के साथ साथ मैं ट्रेनर भी हूँ, मैं ट्रेन भी करता हूँ जो लोग ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं किसी भी फील्ड के अंदर। स्पेशली मैं उन लोगों को कहूँगा जो इस वक्त कुर्रा हजरात और हुफाज़े कराम आलमा और तारिया ये जो वीडियो देख रहे हैं आप रब्ता कर सकते हैं, उनको स्पेशल एक बैच भी बना रहा हूँ, उनको ट्रेन किया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि डिजिटल मार्केट के अंदर आपने अपने आप को कैसे अपना लोहा बनवाना है। सबसे पहले मेरे चैनल पे प्ले लिस्ट में जाइएगा, यूट्यूब कोर्स मैंने रख दिया है बना के फ्री ऑफ कॉस्ट, 7 वीडियो के ऊपर है और इनिशियल स्टेज से लेकर एंड तक मैंने बता दिया उसकी SEO करके, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो भी एक चीज है, उससे आप रेंडरिंग होती है गूगल के अंदर, ये सर्च इंजन के अंदर आपका जो चैनल है या आपका जो आईडी है वो ऊपर कैसे आता है, लाखों करोड़ों खरबों जो वेबसाइट्स है उसके अंदर ये कैसे ऊपर आता है, वो तरीका भी मैं बताता हूँ SEO करके। और ट्रेन भी करता हूँ मुफ्तिहान और आलमे दीन और फाज़े कराम और कुर्रा हजरा, जो लोग भी मुझसे रब्ता करते हैं उनको ट्रेन किया जाता है, उनका बैच बनाया जाता है और उनको ईच एंड एवरीथिंग उनको बताई जाती है ताकि वो अपने बच्चों के लिए रिस्क हलाल कमा सके। जब मैं जॉब कर रहा था, जब मैंने छोड़ी आज से 6 साल पहले 7 साल पहले, तो मैं जीरो था और उस जॉब में मैं बहुत ही कम तकरीबन 40,000 तक मैं कमा रहा था, लेकिन अल्लाह के फजल करम से जब मैंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया तो उसको आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करते, तो अल्लाह ने इतनी इज्जत भी दी, एक मुकाम भी दिया और उस्ताद मोहतरम की जो दुआ थी वो भी कबूल हुई और आज उसकी तबीयत मेरी शक्ल में आपके सामने है। यकीन माने मैं कुछ ना था, मुझे कुछ नहीं, कोई दुनिया वाला नहीं जानता था। कुरान के सदके मैं नात खां भी हूँ, मेरी तकरीबन 42 नात शरीफ भी पड़ी हुई है मेरी आवाज में और मैं तारी भी हूँ और मैं मोटिवेशन स्पीच भी करता हूँ और कुर्रा हजरात को और जो लोग भी जो इस वक्त डिसअपॉइंटेड हैं, हम क्या करें, बड़े बड़े परेशान हैं, हमें ट्यूशन नहीं मिल रही, तो उनको हल भी बताया जाता है कि आप लोग क्या क्या करें, कौन कौन सा मीडियम यूज करें। और एक चीज यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि अगर आप डिजिटल मार्केट के अंदर इन होना चाहते हैं और नाम कमाना चाहते हैं और अर्निंग करना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले फेसबुक आईडी आपने अपना बनाना है। एक है फेसबुक आईडी आपका किसी भी नाम से,
अच्छे से नाम अपनी एकेडमी का सोचिए, अगर आपने अंडर द सुपरविजन ऑफ रिस्पेक्टेड सर कोई एम ए इंग्लिश की आपको क्लास पढ़ानी है या कोई भी आप पढ़ाना चाहते हैं तो वो एकेडमी का नाम सोचें, फिर उसको फिल्टर करें। वो भी तरीका बता दिया कि इस तरह के नाम से कोई और एकेडमी तो नहीं एग्जिस्ट करती, फिर वो रखें जो यूनिक हो, किसी और का नाम ना हो, तो वो जल्दी आप वायरल होंगे। फिर उसके अंदर मैंने बताया कि आपकी वीडियो कैसे वायरल हो सकती है, कैसे SEO की हो जाती है, और आपने अपनी अकेडमी का नाम फॉर एग्जाम्पल चिश्ती ऑनलाइन कुरान अकेडमी फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बनाई है तो इसी नाम से आपने फेसबुक पर IG आपने बनाना है, इसी नाम से आपने लिंक्डइन पर भी अपना नाम बनाना है, इसी नाम से आपने ट्विटर पर अपना अकाउंट बनाना है, और इसी नाम से आपने इंस्टाग्राम पर आपने नाम बनाना है, और व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाएं उसके अंदर भी यही नाम रखें, और एक तस्वीर डिस्प्ले आपकी जो प्रोफाइल है DP जिसे कहते हैं वो एक ही होनी चाहिए, अच्छी सी प्यारी सी कुछ शक्ल आपकी होनी चाहिए, कुछ लिबास के साथ पासपोर्ट साइज की आपकी तस्वीर होनी चाहिए, वही आप इंस्टाग्राम पर ट्विटर पर फेसबुक पर और लिंक्डइन पर एक ही तस्वीर होनी चाहिए ताकि लोग आपको आप एक आइकॉन की तरह पहचाने जाएं, दूसरी पहचाने जाएं, या ये फुरकान है, ये अली है, ये माजिद है, ये असलम है, उस आपकी तस्वीर से ही पता चल जाए यार ये वो बंदा है। इससे आपको फायदा ये होगा कि आप जल्दी वायरल हो जाएंगे और दुनिया आपको पहचानेगी एज ए टीचर के तौर पर। ये वो गुण है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और ये बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं है। जब आप पढ़ा रहे होते हो कौन सा एक्सपर्ट कारी या आलमे दीन आपको सुन रहा होता है जब आप बच्चे को पढ़ा रहे होते हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका नॉलेज बहुत साउंड होना चाहिए जो आप पढ़ा रहे हैं, और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप बिल्कुल तैयारी के साथ जाइए, जब आप जो टाइम दें उनके साथ जो तय पाया है पेरेंट्स के साथ स्टूडेंट पढ़ाने के लिए, क्योंकि बाहर के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेकेंड्स मिनट्स और आवर के हिसाब से चल रहे होते हैं, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। तो जो आपने टाइम दिया है फॉर एग्जाम्पल 7 बजे का, तो 7 का मतलब 7, आपने 7 बजे बेल कर देनी है स्काइप के जरिए, जूम के जरिए, टीमवीवर के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, ये 4 मीडियम हैं, 4 ऐप्स हैं जिसके जरिए आप ऑनलाइन पढ़वा सकते हैं। तो पूरे टाइम 7 बजे आपने बेल कर देनी है। अब आपने जब क्लास, आपने कहा कि मैं 7:30 बजे तक क्लास लूंगा, तो ये आप 7:29 मिनट से पहले क्लास नहीं छोड़नी, 7:30 पर ही आपने क्लास खत्म करनी, उससे पहले भी नहीं छोड़नी, आपका जो इम्पैक्ट है वो बहुत नेगेटिव जाएगा, ये वो भूल बता रहा हूँ आपको। और आपका इखलाक बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि आप पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे होते हो, एक मुसलमान के साथ साथ अपने मुल्क को भी प्रेजेंट कर रहे होते हो बाहर के ममालिक में। लोग आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल यहूद नसारा में गुजारे, और करेक्टिव स्टिक्स देखिएगा, कहा कि अगर मैं तुम्हें बताऊं कि एक छोटा सा ग्रोह तुम्हारे इस पहाड़ के पीछे छुपा हुआ हमला कर देगा मानोगे, तो सभी ने बाजक को कहा ऐ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको सादक और अमीन पाया, ठीक है। तो अल्लाह के नबी ने कहा अगर तुम मेरे इतना तुम, हालांकि ये और भी मोजज़ात करामात अल्लाह के नबी दिखा सकते थे अपनी, लेकिन नहीं, आपने जो मौजूदा दिखाया, आपने जो करामत दिखाई अपनी, वो अपनी किरदार साजी बताइए। ये सबसे 40 साल गुजारे उनमें, और जो हुदो नसारा ने ये आपको अलकाब दिए कि आप सादक और अमीन है, तो फिर आपने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह। तो फिर अबू लहब आगे बढ़ता है जालिम इंसान और आपके शोल्डर को पकड़ के जो दौड़ता है, और उसी वक्त अल्लाह जलाल में आते हैं, अल्लाह जबरील को कहते हैं, जबरील कहते हैं जी रब्बे जलील, जाओ मेरे महबूब को कहो, ये कह दो तबत यदा अबी लहब मुअत्तब, ऐ अबू लहब तेरे हाथ टूट जाए। ये सूरह लहब उस वक्त नाज़िल हुई जब सफा व मरवा दो पहाड़ी हैं, और ये इत्तेफाक ऑफ उमरा एंड हज वो करना सही करनी होती है, तवाफ करने के बाद वहाँ जाना होता है, सारा अपनी आंखों से मुशाहदा करके आए, और 20 नवंबर 2012 में अल्लाह पाक ने अपने नबी के सदके मुझे भी हज करने की तौफीक दी, तो मैं भी ये ज़ियारत की 40 दिन तक मैं ये ज़ियारत करता रहा, हजारे सो हजारे हीरा, और जो जो मुझे पता चली कि अल्लाह के नबी की यहाँ यहाँ नस्बत है, तो वहाँ पर मैं गया और वो था भूसा करके आया, ये अल्लाह के फजल और करम से, माँ बाप की दुआओं से। तो दोस्तों आज की नसीहत का मकसद सिर्फ यही है, इस इदारे को सामने कहा मैं प्रमोट करता हूँ कि अल-फुरकान हकीम जो अकेडमी है ऑनलाइन कुरान अकेडमी, आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा, और
जरूर आगे शेयर कीजिएगा, शायद के किसी के दिल में उतर जाए मेरी बात। और हो सकता है कि आप अगर ये आगे शेयर करें, कोई ज़रूरतमंद मेरे पास आ ही जाए, उसका भला हो जाए और उसके बच्चों का भला हो जाए। तो इंशाल्लाह मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि हमें आपको ऐसे उस्ताद मिले और आज हम आपके सामने हैं। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह जो लोग भी इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह उनके इल्म में, माल में, दौलत में, इज्जत में, ईमान में और जिंदगी में बरकत और इजाफा फरमाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।